नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। आप प्राकृतिक कृत्य के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागौर में आप प्राकृतिक कृत्य करने का एक घिनौना मामला सामने आया है। सामाजिक संगठनों के लोगों ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर कोतवाली थाना पुलिस को शिकायत दी। इस पर पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच जारी है। इधर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आज कोतवाली थाना पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से मिलकर मांग रखी कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आइए देखते हैं कि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हेमंता टांग का व नागौर व्रताधिकारी मुकुल शर्मा का क्या कहना है। तीन चार दिन पहले नया दरवाजा निवासियों का फोन आया कि भाई गौ माता के साथ कुकर्म कर रहे कालू तेली मोमडन, जिनका खुलासा किया है कल रात को वीडियो बना के, जो एविडेंस हमने थानाधिकारी को दे दिया है, एप्लीकेशन भी दे दी, मुकदमा दर्ज हो गया है। ये गौ माता के साथ जो कुकर्म करने वाला ये कांड हुआ है नागौर में, ऐसा आगे से ना हो और अपराधी को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी हमारी मांग है। और शांति प्रिय नागौर शहर में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो बवाल तो होंगे ही। हमारे संगठन की तरफ से यही अपील है, भाई अपराधी को बाहर ना आने दें, सजा दें, ताकि आगे से ऐसी कार्रवाई ना हो। जय श्री राम। एफआईआर दर्ज कराई है, किस तरह के एफआईआर का मजमून है, किस पे एफआईआर दर्ज होगी? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रार्थी का नाम हमारे पास है, किस संगठन से जुड़ा हुआ है ये भी हमारे पास कोई जानकारी है नहीं। प्रार्थी जो एक यही क्या कहते हैं नागौर का निवासी है, उसने एक रिपोर्ट दी है कि साहब एक व्यक्ति को उसने अपने मोबाइल कैमरे में कुछ अप्राकृतिक हरकतें करते हुए पकड़ा, और उसके बारे में समझदारी पूर्वक उसने कोतवाली पुलिस नागौर को कांटेक्ट किया, जिस पर कोतवाली पुलिस ने तुरंत एक्ट करते हुए वीडियो में बताए हुए व्यक्ति को गिरफ्तार करके और थाने ले आए हैं। पूछताछ उससे जारी है। ऐसा कुछ मामला जानकारी में आया है कि कोई व्यक्ति क्या कहते हैं अप्राकृतिक हरकतें करता हुआ पाया गया है, जिसका वीडियो बना के और प्रार्थी ने पेश किया है, उसको पकड़ के और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। तफ्तीश जारी है और आगे आपको जानकारी दे दी जाएगी।